मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 65 मिनट से ज्यादा लंबे भाषण में सीधे सीधे टीएमसी पर निशाना साधा। मिथुन चक्रवर्ती की भी एक तरफ तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। बंगाल चुनाव से पहले सियासी दलों में सितारों को जमा करने की एक तरफ होड़ लगी हुई है तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे पर निशाना साधने की कवायद भी लगातार जारी है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महारैली हुई तो वहीं दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में ममता बैनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और आप देख पा रहे हैं किस तरह से हाथ में एक प्रतीकात्मक सिलेंडर लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोलते हुए नजर आई। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली, 7 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी, पूरा का पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ था और उस मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे ममता बैनर्जी पर निशाना साधा। बुआ भतीजा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किस तरह से तंज कसा गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि दीदी आपको तो पूरी बंगाल की जनता दीदी कहते हुए अहम जिम्मेदारी उसने सौंपी थी आज के 10 साल पहले, लेकिन आप तो सिर्फ एक व्यक्ति की बुआ बन गई, कठपुतली बन चुकी हैं ममता बैनर्जी। ये बातें भी कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और कौन कौन सी बड़ी बातें कहते हुए सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी पर उन्होंने बोला हमला, सुनिए। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है, उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने स्कूटी पर भी तंज कसते हुए ये कहा कि जब दीदी की स्कूटी ने नंदीग्राम में ही गिरना तय कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म होने के बाद लोग जब वापस जा रहे थे तो उनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी श्वेता सिंह, सुनिए लोगों की प्रतिक्रिया। बनर्जी के खिलाफ उसका नतीजा आपको कैसा लग? देखिए, बंगाल में अभी बीजेपी का हवा है, बीजेपी का सरकार बनेगा, शुभेंदु अधिकारी जी बहुत वोटों से जीतेगा, लाखों वोट से जीतेंगे, लाखों से जीतेंगे, लाखों से जीतेंगे, दीदी फूल जाएंगे, दीदी हवा हो जाएंगे, हवा हवा तो मैं दीदी गए। शुभेंदु अधिकारी जी, शुभेंदु अधिकारी लाखों वोट से जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, दीदी को टक्कर वही दे सकते हैं। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती को चुनाव लड़ना चाहिए? सुनार बांगला चाहिए, मिथुन दा को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं, जो कार्यकर्ता सारा साल पूरी साल मेहनत करता है उनमें से चुनकर पार्टी होना चाहिए। मिथुन दा को चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, फिर प्रचार आप बात खुलिए, फिर बात करिए, सब सुना देगा। प्रचार करना चाहिए, मिथुन दा को चुनाव लड़ना चाहिए? एकदम एकदम उनके, हाँ एकदम एकदम सही, अगर उसको एक बार मौका दिया जाए तो लाखों के क्या, लाखों के ज्यादा अधिक से एकदम जीतेगा एकदम। बीजेपी जिंदाबाद। सबसे बड़ा बात इस रैली में ये कि मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर मंच पर रहे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रचार जब करेंगे, ये लोग कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, उन्हें केवल प्रचार करना चाहिए।